नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ संत नामदेव की एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं, ईश्वर भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं, ईश्वर से बड़ा कोई साथी नहीं। संत नामदेव की भक्ति कथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। वैष्णव मत को मानने वाले संत नामदेव के मन में बचपन से ही उनके परिवार के माध्यम से भगवान विट्ठल की भक्ति की लौ जग गई थी। उनकी एक भक्ति कथा खूब कही जाती है। पंढरपुर नामक नगर में एक बड़ा धनी सेठ रहता था। उसने अपने यहाँ तुलादान का आयोजन करवाया। इस उत्सव में वह खुद के वजन का सोना तौलकर लोगों को दान में देता। उसके यहाँ दूर दूर से लोग सोना लेने आए और उसने किसी को भी निराश नहीं किया। अंत में उसने अपने लोगों से पूछा कि नगर में कोई रह तो नहीं गया, तो कुछ लोगों ने बताया कि संत नामदेव जी आयोजन में नहीं आए हैं, वह ईश्वर के परम भक्त हैं। इस पर सेठ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसके हाथ से सोना दान ना लेना चाहे। उसने अपने लोगों को कहा कि संत नामदेव को सम्मानपूर्वक यहाँ ले आए। सेठ के लोग जब संत नामदेव के पास पहुँचे तो वे सारी बातें सुनकर बोले, स्वर्ण दान उनको दो जो उसकी इच्छा करे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लोग वापस लौट गए, किंतु सेठ नहीं माना और उसने उन्हें फिर भेजा। संत नामदेव ने दो बार उनका आग्रह ठुकराया, किंतु जब वे तीसरी बार भी उनके पास पहुँचे तो संत समझ गए कि सेठ की दान भावना नहीं अहंकार बोल रहा है। अतः वे साथ चल दिए। वहाँ पहुँचकर सेठ से बोले, तुम निश्चित रूप से ईश्वर से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो, बताओ मुझसे क्या चाहते हो। सेठ ने कहा, मेरे हाथ से स्वर्ण दान लेकर मेरा कल्याण कीजिए। संत बोले, कल्याण तुम्हारा हो गया है, अब जो भी मुझे देने की तुम्हारी प्रबल इच्छा है मैं बताता हूँ, उस बराबर तौल दो। सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नामदेव जी को श्री विष्णु की प्रिय तुलसी अति प्रिय थी। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम का सिर्फ रा लिखकर सेठ को वह तुलसी पत्र पकड़ा दिया और कहा कि मुझे इसके बराबर सोना दे दो। सेठ ने सहर्ष तुलसी पत्र को तराजू में रखा, सोना तौलने का प्रयास किया, लेकिन तराजू तुलसी पत्र के वजन के अनुसार छोटा पड़ गया। अब सेठ ने 7-8 मन सोना तौलने वाला तराजू मंगवाया, किंतु वह भी निष्फल रहा। अंत में सेठ के पास जमा सारा सोना तराजू के एक पलरे में आ गया, लेकिन तुलसी पत्र के बराबर न हो सका। सेठ बहुत लज्जित था, उसे नामदेव का संदेश समझ आ गया था। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और इतना ही सोना ले लीजिए। इस पर संत नामदेव ने उसे समझाया, मेरे पास तो राम नाम का धन है, मैं सोना लेकर क्या करूँगा, ये धन राम नाम के धन की बराबरी नहीं कर सकता, यही सबसे कल्याणकारी धन है। तुमने तुलसी और राम नाम की महिमा आज अपनी आँखों से देख ली है, इसीलिए आज से तुम इस धन को गले में हमेशा पहनना और हमेशा राम नाम जपते रहना। यह कहकर नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया, सबकी बुद्धि प्रेम रस में भींग गई। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।